हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा एक सेशन है वो इम्पॉर्टेंट सेशन है, निमसेट 2020 प्रिपरेशन प्लान, जिसके लिए आप पिछले कई समय से बोल रहे हैं। पर मैं रुका इसलिए था क्योंकि 2019 के एग्ज़ाम के बाद ही मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता था कि 2020 में किस ढंग से प्लान करें, किस ढंग से प्रिपरेशन करें। बिकॉज 2019 का पेपर कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे, 18 के अकॉर्डिंग 19 की करते हैं। हम नॉर्मली प्रीवियस पेपर को देख के अक्सर अपनी प्रिपरेशन का प्लान करते हैं। इस बार बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ है। आप लोगों में से जो लोग सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में, इमीडिएटली एक्शन लें अगर आप निमसेट के लिए सोचते हैं। दूसरा, निमसेट में इस बार बहुत बड़ा चेंज आया है, पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। निमसेट के पेपर का लेवल इस बार काफ़ी हाई था, और क्यों हाई था, क्यों रखा गया हाई, और इसका आने वाले समय में क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत अच्छे से सुनिएगा सेशन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन। नंबर वन थिंग कि अगर हम लास्ट 10 ईयर से देखें तो लास्ट 10 ईयर से जो निमसेट का पेपर आ रहा था वो काफ़ी स्टैंडर्ड पेपर था, जनरल पेपर था, 2 या 3 बुक के स्टैंडर्ड क्वेश्चन अक्सर उसमें आ जाते थे। पर इस बार का पेपर एक ऐसा पेपर था जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत कम थे, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग के हों, चाहे कंप्यूटर फंडामेंटल के हों, इंग्लिश में भी देखें तो नए क्वेश्चन थे। ये चेंजेस क्यों किया गया? अगर आपका कोई सीनियर स्टूडेंट या कोई सीनियर ऐसा हो जो NITs में स्टडी कर रहा हो, वो ये बता सकता है, क्योंकि गुरुकुल में जब सीनियर स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बताते हैं कि सर ये पिछले कुछ समय से एक प्रॉब्लम आ रही है कि स्टैंडर्ड पेपर आने से कुछ बच्चे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, उससे उनकी रैंक भी आ जाती है, बट वो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जिससे प्लेसमेंट में प्रॉब्लम्स होती है। और क्योंकि पेपर का पैटर्न पिछले कई समय से एक जैसा चल रहा था, तो हमारी भी मजबूरी होती है कि हम उसी पैटर्न को फॉलो करें। इवन मैं बच्चों को जब, जैसे लास्ट संडे जो मैंने पेपर दिया था वो एकदम सरप्राइजिंग पेपर था, काफ़ी अलग अलग हटके था, तो जब बच्चों ने मुझे बोला कि सर ये पेपर तो बहुत ही अलग दिया आपने, काफ़ी टफ, तो मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर मान लीजिए फाइनल एग्जाम में ऐसा हो तो क्या होगा। और आप में से जो लोग भी ये मेरी बात सुन रहे हैं, आप जरा मेरे कितने भी पुराने मैसेज सुनिए, मेरे किसी भी वीडियो को देखिए, इवन ऑल द बेस्ट मैसेज को भी, तो मैं एक ही बात बोलता था कि हमें पेपर में कुछ भी सोच के नहीं जाना, हमें ये सोच के जाना है जो आता है वो हम करेंगे। तो इस बार का जो पेपर था वो पेपर एक ऐसा पेपर था जिसके लिए बहुत बेस नॉलेज की जरूरत थी, यानी बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था। अनएक्सपेक्टेड पेपर था, जैसे JEE में होता है, JEE मेंस या एडवांस में आप देखें तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, कभी भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी आते हैं, टफ भी आ सकते हैं, सिंपल भी आ सकते हैं, हो सकता है कोई गाइड में कोई क्वेश्चन ना मिले, हो सकता है मिल जाए, यानी एक अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है। वैसा ही कुछ निमसेट में इस बार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग निमसेट 2020 देने वाले, उनको अपनी पढ़ाई में क्या क्या चेंज लाना होगा। यहाँ पर गुरुकुल में भी और जो ऑनलाइन बच्चे भी जुड़े हैं, उन्होंने एक बात हमेशा देखी होगी, और मैं हमेशा एक बात पे बोलता हूँ कि आपको बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जो लोग 3-4 गाइड के क्वेश्चंस याद करते हैं उनको हो सकता है इस बार प्रॉब्लम हुई हो, पर जिसने एक बुक को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा, बेसिक कंसेप्ट बना के सॉल्व किया होगा, उसका ये पेपर अच्छा गया होगा। और दूसरा, ये पेपर एक ऐसा पेपर था जिसको देख के फील ये आता था कि बहुत टफ है, पर अगर पॉजिटिव माइंड से जो बच्चों ने पेपर को सॉल्व किया है, कम अटेम्प्ट में भी, कम स्कोर में भी, मैं बिल्कुल श्योर हूँ क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जाएगा तो उनकी अच्छी रैंक आएगी। ये सब मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब 2020 के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ अपने आप को अभी से इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप इस बात के लिए मेंटली तैयार होंगे तो ही आप निमसेट 2020 निकाल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2019 के पेपर को आप बेंचमार्क मानते हुए अब इस ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए, यानी आने वाला समय निमसेट या NIT MCA के लिए अच्छा समय, क्योंकि इस बार का पेपर ये बताएगा कि अब आने वाले समय में क्वालिटी ऑफ क्राउड और अच्छा मिलेगा। ये इस पेपर का फायदा है। हो सकता है जिन्होंने प्रेशर में पेपर में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने पेपर को देख के प्रेशर में कि अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो गैसिंग कर दी, उनको लॉस जरूर हुआ होगा, पर फिर भी मैं बोलूंगा कि ये मैसेज एक अच्छा मैसेज था। तो अब इस बार पढ़ने में क्या क्या चेंज लाना होगा। नंबर वन, इस बार पढ़ाई करने में आपको जो चेंजेस लाने पड़ेंगे वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपका बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, यानी मैथमेटिक्स का बेस स्ट्रांग करना होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक जाना होगा। यानी अगर हम इन टर्म ऑफ मैथ्स की बात करें तो लगभग JEE मेंस और एडवांस लेवल तक पे आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अब तक जो पेपर आते थे वो मेंस से भी कम आते थे, और पिछले 10 साल से लाइन से वही चला रहा था, हर साल फिक्स होते थे कि डिफरेंशिएशन के ये क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रल के ये आएंगे, तो ये चीज। दूसरा,
इस बार के पेपर में आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन थे, यानी मैं हमेशा बोलता था, इनफैक्ट यहाँ पे पढ़ाया भी गया, जो आप जो बच्चे ऑनलाइन से जुड़े उन्होंने ये टॉपिक देखे भी होंगे, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, बाइनोमियल थ्योरम हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, 3D हुआ, ये सब टॉपिक को मैंने दिया हुआ था कोर्स में। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो लॉस नहीं होगा, और इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 क्वेश्चन आ गए, वेक्टर 3D बेस्ड आ गया, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी आपको सिलेबस को पूरी तरह से कवर करना था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस बार पढ़ाई में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो आपका बेस फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबको एक बात बोलूँगा, पढ़ाई कैसे करनी है, आप गुरुकुल से कैसे जुड़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी करें तो क्या करेंगे वो बताता हूँ। तो एक चीज़ ये, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग भी इस बार का बहुत ही डिफरेंट था। अब तक लॉजिकल रीजनिंग जो आता था उसमें एक पैसेज 4-5 क्वेश्चन, इस बार ये था कि पैसेज जितना ही क्वेश्चन था पर लिंक एक ही क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई का भी पैटर्न चेंज करना होगा, यानी आपका अब जो लॉजिकल रीजनिंग है, मैं बोल सकता हूँ कि जिस तरह से कैट में क्वेश्चन आते हैं लगभग उसी लेवल पर आपको अपने आप को लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी तैयार करना होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है, यानी मैथ्स में अगर हम देखें तो जेई मेंस एडवांस लेवल पे जाना है, रीजनिंग में देखें हम तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि रीजनिंग की अगर बात करें तो हमें कैट लेवल के रीजनिंग के तरीके से सोचना होगा। अब तक बहुत ही स्टैंडर्ड रीजनिंग आती थी पर इस बार ऐसा नहीं है। नंबर 3 बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर ऐसे थे कि जो मैनेजर हो सकते थे, पर उसके लिए भी अच्छी पढ़ाई करनी होगी, इंग्लिश काफ़ी ईजी था। यानी इस बार जो आपको पढ़ाई में चेंज लाना होगा वो ये चेंज लाना होगा। अब जो हम लोग चेंज करने वाले हैं वो बता देता हूँ, जितने लोग अभी अभी ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं उन सबको मैं बता दूं कि इस बार आपको कोर्स अपडेशन में बहुत सारी नई चीज़ें मिलने वाली हैं। दूसरा, अभी तक जो हम आपको संडे पेपर भेजते थे, अब जिस दिन जो क्लास में टेस्ट होगा वो टेस्ट आपको भी मिलेंगे, ये एक चीज़ करेंगे। दूसरा, जैसे इस बार का पेपर आया वैसे ही सरप्राइजिंगली आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे नए नए, जिससे कि आप अपने आप को मेंटली या फिजिकली तैयार कर सकें। अगर क्लासरूम की बात करूँ, देखिए तीन किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, अगर क्लासरूम कोर्स की बात करूँ मैं, तो क्लासरूम कोर्स हमारा एक तो 3 जून से स्टार्ट हो रहा है, पर कुछ बच्चों ने, इनफैक्ट कुछ बच्चे 3 जून के लिए आने भी लगे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी जिनके एग्जाम ही 5-6 जून को हो रहे हैं, तो वो 10th या 17 जून के आसपास आ सकते हैं क्योंकि इस समय बैचेस स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस बार आप फर्स्ट बैच के हिसाब से फॉलो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग पहले भी से जुड़े हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च जिन्होंने लिया है वो लोग भी, इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी बहुत जुड़ गए हैं, क्योंकि और अच्छी बात है, देखिए इस पेपर को देख के मैं बोलूँगा जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो आप किसी एक बैच को फॉलो करेंगे जो मैं आपको रेगुलर बताता हुआ चलूँगा। दूसरा, मैथ्स में सबसे मेजर बात यह है कि आपको सबसे पहले मैथ्स में एलजेब्रा पढ़ना है, एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस पढ़ना है, कैलकुलस के बाद कोऑर्डिनेट पढ़ना है, कोऑर्डिनेट के बाद स्टेटिस्टिक्स पढ़ना है। इस बार स्टेटिस्टिक्स के कई सारे क्वेश्चन आए, और दूसरा वो क्वेश्चन आए जो काफ़ी टाइम ले रहे थे, यानी सॉल्यूशन टाइम बिल्कुल डाउट नो डाउट कि उनमें काफ़ी ज़्यादा था, तो इस ऑर्डर में पढ़ना। साथ में स्टार्टिंग से ही रीजनिंग को भी कवर करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आप देखें तो 600 नंबर का मैथ्स और 240 नंबर का रीजनिंग, यानी 840 यानी 84% तो केवल मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग है, बाकी 8% कंप्यूटर फंडामेंटल और 8% केवल इंग्लिश। तो पहले इस पर बहुत फोकस करना है। तो आप सभी लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप इम्पिटस गुरुकुल के क्लासरूम कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप 3 जून या 10 जून तक भोपाल आ जाएं इमीजिएटली, और बिल्कुल पूरी तैयारी से आएँ, जो क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, मैं आज के इसलिए बोलता हूँ, कई बार बच्चे सोच रहे हैं पहले देखाएं फिर आएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। बॉयज़ और गर्ल्स को सभी को बोलूँगा आपको सेम डे सीधा गुरुकुल आना है, और आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे और तुरंत ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। एक चीज़, अगर आप मान लीजिए सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं और अभी आप नहीं आ सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहें, तो आप घर पे वीडियो कोर्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूरे वीडियो कोर्स बने हुए हैं और बिल्कुल इसमें अब क्योंकि लेवल पेपर का ज़्यादा था तो वो जो एडिशन चीज़ें हैं वो भी हमने ऐड कर दी हैं। जो लोगों ने बाद में अभी अभी लिए थे वो भी अपने कोर्स को चाहें तो अपडेट करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, या थोड़ा रुक के भी करवा सकते हैं, या वेबसाइट के थ्रू भी आपको अपडेशन मिलेगा, इसलिए आपको उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। टेस्ट पेपर्स को हम लोग इस बार टोटल चेंज करेंगे, यानी जो लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज है उसको बदल के हम नई टेस्ट सीरीज को लॉन्च करेंगे, जिससे कि आप नए पैटर्न्स के हिसाब से, यानी अब हम ये मान के चलेंगे, हो सकता है पेपर 17 जैसा आ जाए, हो सकता है 16 जैसा,
पर बेंचमार्क हम 19 पेपर को लेकर चलेंगे। अगर 19 पेपर के हिसाब से पढ़ाई की तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि पेपर किसी भी तरह का आएगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। यानी ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा, तो आप इमीजिएटली एक्शन लें। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि निमसेट वैसा एग्जाम नहीं रहा जैसा अब तक लोग सोचते थे कि नहीं कुछ क्वेश्चन कुछ गाइड सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके प्रिपरेशन करनी होगी। जब आप बेस फाउंडेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए किसी भी तरह से मिसगाइड ना हो। आज हम इंटरमा प्लेसमेंट की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा त्रिची वारंगल त्रिची सूरतकल कैलीकट में इस समय 30 लाख के ऊपर के प्लेसमेंट गए, यानी प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो प्रॉब्लम जो मुझे लगी इस बार जो पेपर चेंज हुआ है या इस तरह का पेपर बनाया, उसका एक ही रीज़न था पेपर की टफनेस को बढ़ाने का, कि क्वालिटी ऑफ क्राउड बढ़े धीरे धीरे, और ये एक अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत को आप फ़ायदा उठाएं तो अब आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंड से बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मैं आपको बोलूँगा www.impetusgurukul.com पे आप विजिट करोगे तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी आप या तो क्लासरूम कोर्स से जुड़ें या ऑनलाइन कोर्स से जुड़ें पर इमीडिएटली। और आप अगर मुझसे पूछते हैं कि सर राइट टाइम क्या है, तो राइट टाइम अगर आपने सोचा एमसीए करना तो अभी ये फर्स्ट ईयर में है, तो क्योंकि आज की डेट में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर वाले बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, सेकेंड ईयर वाले फाइनल वाले, जैसे ही पेपर हुआ कई सारे बच्चों ने इमीडिएटली एक्शन लिया, पढ़ाई चालू कर दी। तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब तक मैं ये बोलता था कि 2-3 आवर की प्रिपरेशन से भी काम हो सकता है, पर मैं इस पेपर के बाद ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 5 आवर की प्रिपरेशन लगेगी पर डे, यानी 4-5 आवर जब आप रोज पढ़ेंगे, कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे, बेसिक बना के कवर करके चलेंगे तो ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये एक बिल्कुल एक बेस प्रिपरेशन प्लान का मैंने आपसे डिस्कशन किया। अब जैसे ही बैच स्टार्ट होगा फिर मैं आपको रेगुलर टाइम टेबल बताता चलूँगा, जो जो टेस्ट होंगे वो आपको सेम डे मिलना चालू होंगे, यानी कई सारे अपडेशन इसमें किए जा रहे हैं, तो वो उन सब का बेनिफिट लीजिए और पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। कभी भी किसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं, और निमसेट की प्रिपरेशन से आप चाहे फिर JNU का एग्ज़ाम हो, चाहे BHU का एग्ज़ाम हो, चाहे VIT का एग्ज़ाम हो, चाहे बिट्स का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं वंस अगेन एक बार फिर बोलूँगा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने स्टडी पैटर्न को बदल के एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।